हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपना ट्यूटोरियल शुरू करने वाली हूँ एमडीकेट कंट्रोवर्सी पर। 31 दिसंबर 2020 साल के आखिरी दिन का यह ट्यूटोरियल है, तो स्टार्ट करते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम पेशावर टू कराची टू कोयटा कंटिन्यू टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एज द कंट्रोवर्सी ओवर द PMC's abrupt decision to centralize the medical and dental college admission test from this year refuses to die down. PMC ने एक डिसीजन लिया कि जो MDCAT है यानी मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट है, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, वो सेंट्रलाइज कर दिया जाए। सेंट्रलाइज करने का मतलब ये है कि जितने सूबे हैं सबका एक ही जैसा टेस्ट होगा। तो इस बात के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स, वो पेशावर के हों या कराची के हों या कोयटा के हों, वो एहतजाज कर रहे हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के ऊपर कि वो इस कंट्रोवर्सी को, कंट्रोवर्सी मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसके ऊपर डिसएग्रीमेंट हो, जिसके ऊपर इख्तिलाफ़ हो, उसको ख़त्म करें। लेकिन PMC अपने एक डिसीजन, अपने एक ऐसे सडन और कोई डिसीजन है, एब्रप्ट डिसीजन का मतलब होता है अचानक कोई फैसला कर लेना, उसको ख़त्म करने की मूड में नहीं है। द अलेज्ड इंक्लूजन ऑफ आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चंस इन द टेस्ट टेकन बाय मोर देन 121,000 स्टूडेंट्स एस्पायरिंग टू मेडिकल एजुकेशन फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, जो द अलेज्ड इंक्लूजन ऑफ आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चंस, जो ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि क्वेश्चंस जो थे वो आउट ऑफ कोर्स थे, सिलेबस के नहीं थे, इन द टेस्ट टेकन बाय मोर देन 121,000 स्टूडेंट्स एस्पायरिंग टू मेडिकल एजुकेशन फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। पूरे मुल्क में से जो 121,000 स्टूडेंट पेपर देने के लिए आए थे, जो कि टेस्ट देने के लिए आए थे, जो कि चाह रहे थे कि वो मेडिकल एजुकेशन परसू करें। द lack of transparency in the way examination was conducted and discrepancies in the result announced have compounded the issue. lack of transparency, transparency का मतलब होता है कि जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल बगैर किसी फॉल्ट के या बगैर किसी छुपाने चीज़ के छुपाए जाने के बगैर हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा जो प्रोसीजर हो सबके सामने हो। तो इसके अंदर कमी थी, और कि जिस तरह का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी थी, और उसके अलावा डिस्क्रिपेंसीज थी रिज़ल्ट में। डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है फ़र्क होना, तो रिज़ल्ट में भी फ़र्क था जो अनाउंस किया गया, और इस सब ने ये इशू क्रिएट कर दिया। पुटिंग द नेशनल रेगुलेटर ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन द डॉक, जिसने जो मेडिकल एजुकेशन के रेगुलेटर हैं, जो मेडिकल एजुकेशन को चला रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, उसको एक जे टॉक में रख दिया, यानी कि एक अनविन सिचुएशन में रख दिया। मैनी अफेक्टेड स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी टेकन द PMC टू कोर्ट ओवर एम्बिगस क्वेश्चन एंड फॉल्टी कैंडिडेट डेटा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनके ऊपर इसका असर आया है, उन्होंने पहले ही PMC को, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को, कोर्ट तक पहुंचा दिया है एम्बिगस क्वेश्चंस की वजह से। एम्बिगस मतलब अनक्लियर, ऐसी चीज़ जो बिल्कुल वाजे ना हो, ऐसे सवालात की वजह से। और उसके अलावा फॉल्टी कैंडिडेट्स डेटा, फॉल्टी कैंडिडेट्स डेटा मतलब जो गलत डेटा था कैंडिडेट्स का, उसकी वजह से उन्होंने PMC को कोर्ट तक पहुँचा दिया। The Sindh government and doctors associations have also put their weight behind the protesting students, demanding that the power to conduct MDCAT to be returned to the provinces. इसके अलावा जो सिंध गवर्नमेंट है उसने और डॉक्टर की जो एसोसिएशन, उन्होंने भी इन स्टूडेंट्स का साथ दिया प्रोटेस्ट के अंदर, और इनको बैक प्रोवाइड किया और कहा कि जो डिमांड की है कि एमडीकेट कंडक्ट करने की दोबारा से प्रोविंसेस को इजाज़त दे दी जाए, मतलब टेस्ट सेंट्रलाइज ना रखा जाए। By taking 14 questions out of the test and awarding as many marks to each student, the PMC has indirectly admitted that the process was flawed from the get-go. अच्छा, 14 सवाल ऐसे थे जो कि टेस्ट से अलग थे, और जो मार्क्स थे
जो स्टूडेंट्स को दिए गए वो अपनी मर्जी से उन्होंने जितने मार्क्स चाहे उतने दे दिए। इस तरीके से इनडायरेक्टली पीएमसी ने ये एडमिट किया कि जो उनका प्रोसेस था वो स्टार्ट से ही ख़राब था, ऐबदार था। गेट गो का मतलब होता है फ्रॉम द स्टार्ट, इनिशियली, इब्तिदा से ही। येट द पी एम सी एडमिनिस्ट्रेशन अपियर्स टू हैव टेकन अ रिजिड स्टांस ऑन द डिमांड्स टू ऑफ द अफेक्टेड स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग द इशू एमिकेबली। बजाय इसके कि पी एम सी ये इशू एमिकेबली रिजॉल्व करती, एमिकेबली मतलब दिल से प्यार से रिजॉल्व कर लेती, उसने और ज़्यादा रिजिड इंस्टांस ले लिया। At the very start of the process, the commission had been advised by senior doctors and others to wait for a couple of years before conducting a centralized MD kit. इस प्रोसेस के शुरू होने से पहले कमीशन जो एडवाइस किया गया था, मतलब कमीशन को एडवाइस की गई थी, डॉक्टर्स ने की थी कि आप कुछ साल रुक जाएं जब तक MD kit सेंट्रलाइज नहीं हो जाता, तब तक ऐसा ना करें। इट वॉज ऑल्सो वॉन्ट दैट द स्टूडेंट्स हैड नॉट बीन गिवन एडिक्वेट टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ कम्बाइंड टेस्ट सिंस ऑल प्रोविंसेस टीच मेडिकल सेपरेट मेडिकल करिकुला। जो सारे सूबे हैं वो अलग अलग सिलेबस पढ़ाते हैं मेडिकल का, तो पी एम सी को ये वॉन किया गया था कि वो वेट करें स्टूडेंट्स का, लेकिन उसने नहीं किया। और स्टूडेंट्स होते हैं उनको एडिक्वेट टाइम ही नहीं दिया गया, मतलब अप्रोप्रिएट टाइम जितना होना चाहिए था कंबाइंड टेस्ट के लिए, यानी कि ऐसे टेस्ट के लिए कि जिसके अंदर तमाम प्रोविंसेस का सिलेबस आता हो, तो इतना टाइम नहीं दिया गया कि वो मेडिकल करिकुलम को, मतलब कि अपने सिलेबस को प्रिपेयर कर सके, क्योंकि हमारे यहाँ हर प्रोविंस में अलग मेडिकल सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। Instead of heeding these advice, the PMC not only decided to go ahead with its plan but also did away with the practices of supplying carbon copies of answer sheets and putting answer keys on the website for the sake of transparency. सिर्फ यही नहीं, इस एडवाइस के अलावा PMC जो है उसने मतलब इस एडवाइस को रद्द करने के अलावा पीएमसी ने क्या किया, उसने ये डिसाइड किया कि वो अपने प्लान के हिसाब से चले, और उसके अलावा उसने अपनी प्रैक्टिसेस कुछ ऐसी की कि कार्बन कॉपीज जो थी आंसर शीट्स की वो और वो ली, और जो आंसर कीज थी वो वेबसाइट के ऊपर डाल दी ट्रांसपेरेंसी के तौर पर। The deadlock created by the commission attitude is unlikely to resolve itself with the passage of time as hoped by the PMC management. एक जो होप थी, एक उम्मीद थी कि पी एम सी मैनेजमेंट खुद ही इस इशू को रिजॉल्व कर देगी, लेकिन अब जो कमीशन का एटीट्यूड है वो ये बता रहा है कि अपने आप रिजॉल्व नहीं होगा। इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू होल्ड सच अ मैसिव एक्सरसाइज अगेन। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं कि इसी किस्म की मैसिव एक्सरसाइज दोबारा करें। सो वॉट शुड बी डन टू ब्रेक दिस सेटलमेंट। द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर द पी एम सी इज टू अग्री टू रिक्वेस्ट रीचेक पेपर्स एंड रिकाउंट द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स। तो अब इस सबको रिजॉल्व करने के लिए, सेटल करने के लिए होना क्या चाहिए? ये हो सकता है, सबसे बेहतर ये होगा कि जो पीएमसी है वो इस बात पे अग्री कर ले, इस रिक्वेस्ट को मान ले कि जो पेपर से वो रीचेक किए जाएँ और उसके अलावा मार्क्स को रिकाउंट किया जाए कैंडिडेट्स के। इट शुड ऑल्सो मेक पब्लिक द क्वेश्चंस इट हैड डिसाइडेड टू टेक आउट ऑफ द टेस्ट बिकॉज देयर वॉज एम्बिगस और नॉट इन द सिलेबस। इसके अलावा वो उन क्वेश्चंस को भी पब्लिक कर दें, मतलब सबके सामने ले आए जिनको एम्बिगस कहा जा रहा है, जो कि सिलेबस के अंदर नहीं थे। These actions should not only help end the controversy but also build public trust in the regulator. ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सी को ही नहीं एंड करेगा, बल्कि इख्तलाफ को ही नहीं ख़त्म करेगा, बल्कि पब्लिक ट्रस्ट भी बनाएगा। तो यहाँ पर ही हमारा ट्यूटोरियल कम्प्लीट होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।